हेलो गाइस, ये है कैफ़े ब्यूस्टेलो। आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये कैफ़े ब्यूस्टेलो करके कॉफ़ी है, एस्प्रेसो ग्राउंड कॉफ़ी। पैकेजिंग इसका येलो कलर में आता है और ये मैंने यूएस से मंगवाई थी फ्रेंड से। तो ये मैंने ट्राई की तो ये बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और कैफीन कंटेंट भी ज़्यादा है, फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग है। सो ये मेरे को स्पेशल कॉफ़ी लगी। हालांकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है और इसके जैसी कॉफ़ी इंडिया में मैंने अभी तक नहीं देखी। तो ये एक अच्छी कॉफ़ी है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आई हब करके एक वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल है। लेकिन ये आपको मंगवाने के लिए कुछ, ये यूएस से डायरेक्ट आती है तो आपको शिपिंग चार्जेस एंड ऑल देके 40% ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो अभी यही सिचुएशन है। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह यूएस में है तो आप उनसे डायरेक्टली मंगवा सकते हो, अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो। अदरवाइज़ यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट फ्रॉम दी आई हब साइट, जो कि मैंने गूगल पे देखी थी, उस पर अवेलेबल है। उसमें भी आप शायद 1 kg तक मंगवा सकते हो, उससे एक्सीड नहीं हो सकता है। तो ये सीन है। और अगर मैं इस पैक को खोलता हूँ, आई विल शो यू दी ऑल द पाउडर लुक। ये एक्सप्रेसो ग्राइंड है। एस्प्रेसो ग्राइंड है, अगर आप देख सकते हो तो। एस्प्रेसो ग्राइंड है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है, एरोमा है। और आप इसको डायरेक्टली एस्प्रेसो में यूज़ कर सकते हैं। अभी तो खाली ये फ़िलहाल ये एस्प्रेसो पाउडर के पैक में अवेलेबल है। मैं आपको इसका कॉफ़ी बनाने के बाद उसका भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा, खास आपके लिए दिखाने के लिए, ये कॉफ़ी बनने के बाद कैसे दिखती है टेस्ट। और इसका जो पीने के बाद आपको फील आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और ये एक अमेजिंग ऑप्शन है। अभी तक इंडिया में मैंने जितने भी सारी कॉफ़ी ट्राई की उसमें ये एक अलग स्टैंड होके निकलती है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। कैफ़े बिस्टेलो ऑथेंटिक लैटिन अमेरिका की ये कॉफ़ी है, वहाँ की बहुत ही फेमस कॉफ़ी है। और ये मुझे बहुत पसंद आई तो मैं आगे भी ये कॉफ़ी परचेस करूँगा अपने एक रेगुलर, मैं कह सकता हूँ कि मैं रेगुलर ये कॉफ़ी कंज्यूम कर सकता हूँ, इतने अच्छे लगे मेरे को। और इसका मैं आपको एक कॉफ़ी बनने के बाद कैसी दिखती है, इसका कलर एंड एवरीथिंग, मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सिर्फ आपके लिए एक ओवरव्यू था कि ये प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए है। तो ये अगर आप ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करना चाहते हो, एस्प्रेसो और ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। हालांकि मिल्क में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन मिल्क में भी ये सूटेबल है जितना मुझे मेरे को लगता है, मैंने जिधर तक रिसर्च किया था। तो कैफ़े बिस्टेलो ऐसा है। और मैं और बहुत सारी कॉफ़ी का रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, जैसे कि कोलंबियन ब्रू का एक मैंने परचेस किया था एस्प्रेसो का, वो एक है। और एक ब्लेंड कोलंबियन ब्रू का एक ब्लेंड है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। उसके बाद ब्लू टोकाई का रिव्यू करूँगा मैं। और एक यूएस मेड इन यूएसए की एक कॉफ़ी है, उसका भी मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, कैफ़े बिस्टेलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय।